हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आ जाएंगे, सारे बच्चे जुड़े के केडी लाइव के साथ फटाफट आ जाएंगे। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से आ जाइए। तो बच्चों देखो, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज आपकी थर्ड डेमो क्लास है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आपकी डेमो क्लास जो थी वो हो चुकी है। ये बैच आपका आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है मैंने पहले बताया था, आज भी मैं आपको बैच के बारे में बताऊंगी। फिर क्या करेंगे, आपको इसका जो है डेमो क्लास है तो थोड़ा सा आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन सब करेंगे, और फिर ये आपको जिस बच्चे को क्लास पसंद आएगी वो बच्चा जो है केडी लाइव की एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करेगा और केडी लाइव ज्वाइन करेगा। ये क्लास बच्चों मैं पहले बता दूं, आज और आपकी यूट्यूब पे चलेगी। फिर ये क्लास कंटिन्यूअसली कहाँ चलने वाली है, ऐप पर चलने वाली है। तो सभी बच्चे जो है, जिन बच्चों को भी क्लास चाहिए वो क्या करेंगे, वो कैडी लाइव की एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और वहां से क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फिर हम जो है क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी सभी बच्चे जुड़ेंगे, लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से, गुड आफ्टरनून, और जितने बच्चे आते जाएंगे कमेंट करके भी बताएंगे, हाँ जी मैम हम आ चुके हैं, ताकि मैं आपकी क्लास शुरू कर पाऊँ। तो जल्दी से आओ और जुड़ो, और वीडियो शेयर कर दो एक बार फटाफट सारे बच्चे। चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मैम हम आ चुके हैं। यस, गुड आफ्टरनून, चलिए जल्दी जल्दी, और जितने वाले बच्चे हैं ये सभी जो है क्या करेंगे, सभी आज क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कल से हम अपनी जो है क्लास शुरू करेंगे, जो हम एक सिक्वेंस में चीजों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपका जो ये बैच है, ये है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए और हेड कांस्टेबल AWO और TPO, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों, इसके एग्जाम शुरू हैं आपके अक्टूबर में। अक्टूबर में अगर हम ड्राइवर की बात करें तो पहले तो पेन का कलर चेंज करने दो। अगर हम ड्राइवर की बात करें बच्चों, तो ड्राइवर का जो एग्जाम है वो आपका शुरू है 21 को है, ठीक है, 21 अक्टूबर। और अगर हम बात करें आपका AWO और TPO, तो ये 27 और 28 में आपका है, ठीक है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, सभी बच्चों को जुड़ जाना है। साइंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप सब जानते हैं 25 नंबर की आपकी साइंस आ रही है। तो साइंस, और यही नहीं बच्चों, कहीं भी GS वाले पार्ट में देखना, ठीक है। शाम को मैं करवाऊंगी आपको, एक प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, उसमें देखना जो है पहले के जो एग्जाम है उन सभी में बच्चों, जीएस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके साइंस के। तो किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं, साइंस वहां पे अब बहुत बड़ा उसका रोल है, ठीक है। पहले क्या होता था, दो चार इन्वेंशन के बारे में पढ़ लो कि भाई जो है आपका हाइग्रोमीटर किसने बनाया, या फिर हाइग्रोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, तो इन सब क्वेश्चन से काम चल जाता था। लेकिन अभी फिलहाल इन सभी क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, अब आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं, सभी बच्चे आ जाएंगे। चलिए तो अब हम शुरू करेंगे बच्चों, उसके बाद में हम बैच के बारे में बताएंगे। एक बार फिर से बता दूं कि आज आपकी थर्ड डेमो क्लास है बच्चों, ये क्लास उसके बाद कंटिन्यूअस कहाँ पे होगी, आपकी ऐप पर होगी। उसके बाद ये क्लास आपकी यहाँ पर जो है यूट्यूब पर नहीं होने वाली। तो सभी बच्चे कहाँ आएंगे, ऐप पर, जिन बच्चों को क्लास लेनी है अपने बैच के लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो वो सभी बच्चे बैच में आएंगे। चलिए तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, आज तो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि यहाँ पे जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनका लेवल क्या है, ठीक है। उनका लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, जल्दी से देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस रिलीज होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कम आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, क्लोरीन। बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की है, आंसर्स आप सबने करना है। आपसे पूछा जा रहा है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कौन सी गैस है जो रिलीज होती है। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से, यस फटाफट आंसर करेंगे सभी। चलो जल्दी 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 से आंसर करेंगे फटाफट। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या है। तो अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपना जो पौधे होते हैं, ठीक है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, अपना फूड बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में जब आपका क्या मिलेगा, पानी, H2O मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में जब आपका H2O मिलेगा, किसके प्रेजेंट में, एक तो वहां सनलाइट होना चाहिए, एक तो वहां क्या होना चाहिए, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। दूसरा वहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल। दूसरा वहां पे
आपका क्लोरोफिल होना चाहिए। जब इन दोनों के प्रेजेंस में क्या होता है, रिएक्शन होती है, तब जाके आपका क्या होता है बच्चों, तब जाके आपका बनता है O2 बनता है, ठीक है, साथ में पानी भी बनता है, ऑक्सीजन पानी, और साथ में ग्लूकोज भी आपका बनता है C6H12O6, ठीक है। तो जब आपका फोटोसिंथेसिस हुआ तब आपका क्या बना, देखो क्या क्या बना है, एक तो ऑक्सीजन गैस बनी है, H2O बना है, पानी बना है, और आपका ग्लूकोज बना है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो पानी तो गैस है नहीं, ग्लूकोज तो गैस है नहीं, गैस एक ही ऑक्सीजन, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि भाई, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आंसर दे देता है, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो आपको बता देगा, लेकिन कहेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से बनी है। तो याद रखना बच्चों, जो यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, जो आपका प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, और जो आपका ऑक्सीजन बनता है वो आपका H2O से बनता है। ऑक्सीजन बना पानी से, लेकिन ग्लूकोज किससे बना, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है यहां तक। यस विक्रम, यू आर राइट, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। जो है अगर हम बात करें, ग्लूकोज आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और ऑक्सीजन आपका H2O से बना है। अब अगर मैं पूछ लूं बच्चों, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछ लूं कि मैम जो फोटोसिंथेसिस हुआ है ये हुआ कहाँ है, तो देखो बच्चों याद रखना, जो लीफ है, जो पत्ती है, पत्ती में ही क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये भी आपको याद रखना, पत्ती में ही आपका फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये भी आपको याद रखनी है बातें, पत्ती के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति उपस्थित के कारण होती है, ठीक है। देखो आपसे पूछा जा रहा था, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू ऑफ प्रेजेंस ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपके सेल चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिका से आपका ये क्वेश्चन बना है, और आपको पता है कि कोई सा भी चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है एग्जामिनर, हर चैप्टर, और कोशिका तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनर के लिए भी और आपके बॉडी के लिए भी, ठीक है, हमारी बॉडी बनी ही कोशिका से है। तो बच्चों को सेल चैप्टर से ही क्वेश्चन है और डीएनए के ऊपर है, आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए के अंदर ऐसा क्या पाया जाता है बच्चों जो उसे हाइड्रोफिलिक नेचर का बनाता है। सबसे पहली बात, डीएनए क्या है, तो देखो बच्चों अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप जो है आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये पहले की बात थी कि आपसे डीएनए की फुल फॉर्म पूछ लेता, अब ये सब क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो सबसे पहली बात, डीएनए की फुल फॉर्म मुझे लगता है कि सब बच्चों को पता होगा, क्या हो जाएगा आपका, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब कह रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो, कि डीएनए के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है कि डीएनए का नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब बच्चों, जो वाटर H2O से क्या करे, जो पानी में घुलनशील हो, कहने का मतलब हाइड्रोफिलिक का मतलब हो जो पानी से दूर ना भागे, पानी से पानी के पास जाए। एक होता आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, एक होता आपका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दूर भागेगा, कहने का मतलब पानी से दूर भागेगा मतलब पानी में अघुलनशील होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि डीएनए में ऐसा क्या प्रेजेंट है भाई कि वो किस नेचर का है, वो पानी में घुल जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं डीएनए किस चीज से मिलके बना है बच्चों, तो डीएनए के बारे में आपको याद रखना है, डीएनए की अगर मैं बात करूं तो जो आपका डीएनए है इसमें तीन चीजें हैं आपकी, ठीक है, एक तो आपकी शुगर हो जाएगी, ठीक है, जिसे आप शर्करा कह सकते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, दूसरा आपका फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक तो अगर डीएनए की बात करें कि डीएनए में, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन युक्त क्षार, क्या लिखेंगे इसे, नाइट्रोजन युक्त क्षार, ठीक है। देखिए अब आपसे पूछा गया है
कि इन तीनों डीएनए इसी से मिलके बना है बच्चों। आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा है जो पानी में घुलनशील होगा, तो बच्चों जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, इस फॉस्फेट ग्रुप में आयंस पाए जाते हैं, इसीलिए क्या है, इसीलिए बच्चों ये हाइड्रोफोलिक है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये पानी में घुलनशील है, जबकि ये दोनों क्या है, ये दोनों हाइड्रोफोबिक है, कहने का मतलब पानी से दूर भागेंगे, और पानी से दूर भागने का मतलब है बच्चों कि क्या है कि वो पानी में नहीं घुलेंगे। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फेट ग्रुप है आपके डीएनए में, ये वाला जो आपका ये वाला फॉस्फेट ग्रुप है, यही क्या है, यही आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और यही आपसे पूछा गया है कि डीएनए में हाइड्रोफिलिक नेचर का कौन सा है। ठीक, बिल्कुल यस, एक कह रहा है डबल बॉन्ड। बच्चों देखो बात करें तो हाँ, हाइड्रोजन जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यस, डीएनए ऐसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं ए डबल बॉन्ड जी, ठीक है, ए ट्रिपल बॉन्ड टी, इस तरीके की जो आपकी संरचना सारी पाई जाती है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। तो डीएनए में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो उसमें फॉस्फेट ग्रुप है वही क्या है, घुलनशील है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, लिपिड का पाचन में से किसकी उपस्थिति में होता है, बताइए जो लिपिड का पाचन है वो किसकी उपस्थिति में होगा, बाइल जूस, लाइपेज, पेप्सिन, ओनली वन एंड थ्री, या बच्चों ओनली वन एंड टू, वन टू थ्री, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से जल्दी से, बहुत अच्छा कार्बन विक्रम आंसर करिए जल्दी से। आपसे पूछा जा रहा है कि जो है पाचन में किस, पाचन में निम्न में से किसकी उपस्थिति में होता है, जल्दी से, लिपिड, लिपिड का मतलब है वसा, वसा का मतलब है जो आप फैट खाते हैं, ठीक है, फैट खाते हैं, जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाइल जूस, सबसे पहली बात अगर हम बात करें मैम ये बाइल जूस क्या है, तो बाइल जूस बच्चों आपका क्या है, पितरस, पितरस कहाँ बनता है, लीवर, ठीक है, लीवर बनाता है, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर, ठीक है बच्चों, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में, इसमें पाया जाता है कुछ सॉल्ट, ठीक है, कुछ लवण पाए जाते हैं बच्चों, जो क्या करते हैं, फैट का पाचन करते हैं, तो बाइल जूस तो होगा ही होगा, वन ऑप्शन तो आपका ठीक है, यस, वन एंड टू, और बच्चों लाइपेज भी आपका क्या करता है, ये भी आपके फैट के जो है मैं कहूंगी फैट के डाइजेशन में काम आता है, इसलिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है वन एंड टू। जितने बच्चों ने वन एंड टू कहा है सभी बच्चे अपने लिए ताली बजा सकते हैं, यस यू आर राइट, वन एंड टू इज द राइट आंसर, यस, ठीक है, चलिए जल्दी से सभी बच्चे शेयर करते रहेंगे। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, आपके लीवर में, आपके लंग्स में, आपके स्प्लीन में, आपके किडनी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यूरिया क्या है बच्चों, यूरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, NH2CONH2, ठीक है, ये आपके यूरिया का क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो यूरिया है ये आपके बॉडी में कहाँ बनता है, ठीक है बच्चों, अगर ये यूरिया आपके ब्लड में ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर ये यूरिया आपके ब्लड में ज्यादा हो गया, बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी, ठीक है, और अगर हम बात करें ये यूरिया कहाँ से होता है बच्चों आपकी बॉडी में, तो बच्चों जो आप प्रोटीन खाते हैं ना, मेनली जो आप प्रोटीन खाते हैं ना, यूरिया फॉर्मेशन में मेनली जो प्रोटीन का ही रोल होता है, लीवर, बहुत अच्छा आंसर, लीवर, लीवर, यकृत, इसे कहेंगे यकृत कहते हैं, या इसे आप जिगर कह सकते हैं, यकृत, या आम भाषा में इसे जिगर भी कहा जाता है, जिगर भी कहा जाता है, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन बनता है, दोनों याद रखना आपको, क्या याद रखोगे, दोनों याद रखोगे, ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि, अरे एक मिनट भाई, हाँ कि क्या याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूरिया का फॉर्मेशन पूछे तो याद रखना है आपके लीवर में होगा, ठीक है, हमेशा याद रखोगे, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होगा, आपके लीवर में होगा। यहीं पर अगर पूछ ले यूरिन, ठीक है, यूरिन क्या है बच्चों, मूत्र, मूत्र का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यूरिन का, तो किडनी। देखो इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं एक बार आपके ऑप्शन देखना चाहूंगी, ठीक है, एक बार आपके आंसर देख लूं मैं, क्या बताया है आपने, लीवर ही बताया है ना, हाँ सुशील कह रहे हैं यूरिन किडनी, बिल्कुल सही बात है सुशील, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो सुशील, विक्रम, लोकेश, जितने बच्चों ने लीवर कहा सही है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है कि मैम यूरिया का फॉर्मेशन होगा लीवर में, यूरिन का फॉर्मेशन होगा
किडनी में, ठीक है। लंग्स में क्या होगा, CO2 O2, ठीक है, CO2 और O2 का आना जाना होगा, एक्सचेंज होगा, ठीक है। स्प्लीन क्या है बच्चों, तो स्प्लीन के बारे में अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं, ये क्या है, यहीं पर आपकी आरबीसी आके डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए इसे ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। चलिए एक एंजाइम है, बताओ एंजाइम क्या होते हैं, लिपिड, शुगर, प्रोटीन, विटामिन। सबसे पहली बात मैम, ये एंजाइम जो है क्या होते हैं और किस चीज में काम आते हैं। बच्चों जो एंजाइम है ना, एंजाइम के बारे में आपको याद रखना है कि जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं। बच्चों जो आप खाना खाते हो उसका डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन का जो रिएक्शन है उसे फास्ट कर देते हैं, डाइजेशन के रिएक्शन को, ठीक है, डाइजेशन के जो मैं कह सकती हूँ इसका जो रिएक्शन है, ठीक है, इसका जो रिएक्शन है, जो इसकी क्रिया है उसे क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। कहने का मतलब बच्चों, जैसे आपने खाना खाया, खाना क्या होता है 2 से 4 घंटे बाद पच जाता है। क्यों पच जाता है बच्चों, क्योंकि वहां काम कर रहे हैं एंजाइम, ठीक है, और अगर एक बार एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया बच्चों, मान लो आपके बॉडी में एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया, तो तुम खाना आज खा रहे हो पचेगा 2 साल बाद, ऐसा भी होगा, खाना आज खा रहे हैं पचेगा 2 साल बाद। हाँ यस, हेल्पिंग टू डाइजेस्टेड फूड, यस बहुत अच्छा, अच्छी बात आपने कही है। तो बच्चों ये फूड के डाइजेशन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और याद रखना 99%, ठीक है, 99.9% जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के। मैम क्या क्या होते हैं एंजाइम, सुना होगा आपने, क्या क्या सुना होगा, टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन, ये सब एंजाइम होते हैं बच्चों, सब जो है सहायक की तरह काम करते हैं आपका फूड डाइजेशन में। इनमें से किस में संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक, कहने का मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कहा जा रहा, आपके पास इंसुलिन है, आपके पास क्या है, एस्ट्राडियोल है, ठीक है, क्या है, एस्ट्राडियोल है, आपके पास ग्लाइकोजन है, ये तीन आपके पास हैं, इन सब में किसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आप सबने सुना होगा एक ऐसा सबस्टांस है जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। सुना होगा कि भाई उनका कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत भारी, बहुत ज्यादा हो गया था तो उनको हार्ट अटैक आ गया। ये क्या होता है बच्चों, तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये एक फैट लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये एक फैट लाइक स्ट्रक्चर है। फैट लाइक स्ट्रक्चर का मतलब एक तरीके का फैट है, ठीक है, एक तरीके का फैट है। तो कहा जा रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या बनाता है, आपका इंसुलिन बनाता है, आपका एस्ट्राडियोल बनाता है, आपका ग्लाइकोजन बनाता है, क्या बनाता है, फूड के साथ वाटर डाइजेशन को इफेक्ट करता है मैम। यस बहुत अच्छा विक्रम, तो देखो मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें बच्चों कि कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, तो देखो अभी तक आपने ही सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बेकार होता है, बहुत बैड होता है, क्योंकि हार्ट अटैक लाता है। बच्चों कुछ जो है, सारे सारे कोलेस्ट्रॉल नहीं होते बेकार, कुछ कोलेस्ट्रॉल गुड होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, जैसे गुड बैक्टीरिया होते हैं ऐसे ही गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कहने का मतलब ये क्या करते हैं मैम, तो बच्चों ये क्या करेंगे, लिखो मेरे साथ साथ। सबसे पहली बात तो बच्चों, अगर मैं बात करूं जो आपकी सेल है, जो आपकी कोशिका है, अगर मैं बात करूं मैम कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनते हैं, तो जो आपकी कोशिका है, जो आपकी सेल है, 75% कोलेस्ट्रॉल तो आपकी सेल बनाती है, 75% कोलेस्ट्रॉल तो आपकी सेल बना देगी। तो अगर कोलेस्ट्रॉल आपके लिए इतना बेकार होता तो क्या आपकी कोशिका बना रही होती, आप अपना दिमाग लगाइए, अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बेकार है तो क्या आपकी बॉडी में आपकी कोशिका कभी कोलेस्ट्रॉल बनाती, नहीं बच्चों, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, 75% आपकी कोशिका बनाती है, 25% आप कहाँ लेते हैं, जो आप फैट खाते हैं डाइट में ले लेते हैं। अब ये क्या करती है, तो बच्चों ये जो है हार्मोन बनाती है, कौन सा हार्मोन बनाती है, सुनेंगे मेरी बात, सबसे पहली बात कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कोई हार्मोन नहीं है, आप सब जानते हैं ग्लाइकोजन क्या है, जब ग्लूकोज स्टोर होता है, जब ग्लूकोज कहां लीवर में बच्चों स्टोर होता है, तो उसे ही हम नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये एक हार्मोन है बच्चों, लेकिन ये जो है क्या है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। कहने का मतलब बच्चों, ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, किससे बना हुआ, प्रोटीन से बना हुआ, लेकिन यहां कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ हार्मोन कौन सा, हमें वो बताना है कि कौन सा हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल से बना है। तो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ हार्मोन आपका कौन सा है, तो ये आपका बी ऑप्शन, यहां पर आपका बी ऑप्शन जो
क्या है आपका? एस्ट्राडियोल है बच्चों, ये आपका एस्ट्रोजन सुना है क्या? एस्ट्रोजन कहाँ बनता है? तो जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, जो एस्ट्रोजन है ये एक फीमेल हार्मोन है, महिला में बनता है, इसी एस्ट्रोजन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्राडियोल कह देते हैं बच्चों। और ये आपका किसके द्वारा बनता है? कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल के द्वारा बनाया जाता है। बहुत अच्छा, और लाइक भी करते रहेंगे, ठीक है, जितने बच्चे आएंगे, ठीक है, जितने बच्चे आएंगे लाइक करते जाएंगे, अगर लाइक नहीं करेंगे तो यह बहुत बुरी बात है, ठीक है। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा प्रोटीन है बच्चों जो आपका दूध में पाया जाता है। एक तो आपसे दूध वाला प्रोटीन पूछेगा, मिल्क प्रोटीन, और एक पूछता है कि डीएनए के ऊपर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो याद ना, डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, जो डीएनए ऐसे होता है, इसको बाइंडिंग, बांधने का काम करता है, ठीक है, बाइंडिंग का काम करता है, बांधने का काम करता है ये प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, क्या याद रखेंगे? हिस्टोन प्रोटीन। तो आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे इंपॉर्टेंट ये वाला है, मेरी बात मानना कि इससे इंपॉर्टेंट ये वाला है कि डीएनए के ऊपर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन, जो क्या करता है? डीएनए को बांधने का काम करता है, ठीक है। यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब सुनो, हाँ बहुत अच्छा, हाँ हिस्टोन प्रोटीन, बिल्कुल बिल्कुल, किसने बताया है ये? सुशील जी है, काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लोकेश बहुत सही है, चलिए ठीक आंसर कर रहे हैं सभी। अब बच्चों, अगर मैं बात करूं कि जो ये डीएनए है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं जो डीएनए है इस पे हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन मिल्क आपका कौन सा है? केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन, ठीक है, ये आपका क्या है? आपके मिल्क में पाया जाता है। अगर पूछे मिल्क में शुगर कौन सी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, तो याद रखना आपका लैक्टोज, ठीक है बच्चों, लैक्टोज, ठीक। और क्या याद रखोगे कि शुगर में आपका शुगर तो लैक्टोज पाई जाती है, मिल्क में आपको प्रोटीन, आपको पता चल गया कैसीन पाया जाता है, शुगर आपकी लैक्टोज पाई जाती है। और याद रखना इससे लैक्टोमीटर, अगर हम बात करें कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो याद रखना लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ठीक। सारे क्वेश्चन बच्चों एक क्वेश्चन में, तीन से चार क्वेश्चन में बताते चल रहे हो, सब याद करके चलो। और देखो ये रेनिन, रेनिन याद रखना ये कोई प्रोटीन नहीं है बच्चों, ये आपका एंजाइम है, जो मैम किस काम में आता है, तो याद रखना कि आपसे 100 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिल्क के डाइजेशन में कौन सा, मिल्क में प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन है, उसके डाइजेशन में कौन सा एंजाइम काम में आता है? रेनिन, ठीक है। रेनिन एंजाइम बच्चों मिल्क के डाइजेशन में, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है, ठीक। चल, जिस बीमारी का खात्मा हो गया, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे हमने खत्म कर दिया, ठीक है, जैसे कोरोना भी मतलब खत्म नहीं किया है, तो ऐसी कौन सी बीमारी जो मतलब अब उसके केसेस देखने को नहीं मिलते, तो इसका मतलब वो खत्म हो गए, कहने का मतलब उसकी वैक्सीन बन चुकी है, ठीक है, और वैक्सीन जो है पूरी काम कर रही है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है कि भाई जिसे हमने खत्म कर दिया है, जो अब नहीं है, जिसे हम मानते कि अब हम फ्री हैं? चिकन पॉक्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मम्स। अच्छा है क्वेश्चन, आंसर कीजिए, क्वेश्चन बहुत ठीक है, बस आप आंसर कीजिए। स्मॉल पॉक्स, ओके, और कोई, और कोई भाई? दो ही बच्चों को आंसर आता है क्या? दो ही बच्चों को आंसर आ रहा है क्या? और किसी को नहीं आ रहा? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सुशील, लोकेश, वंदना, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी बच्चे। चलिए ठीक है, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, मम्स नहीं, मम्स नहीं, मेरी बात सुन, देखो बच्चों आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका सही आंसर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि 1998 में, ठीक है, 1998 में इसका, इसकी वैक्सीन बन गई थी, ठीक है बच्चों, इसकी आपकी वैक्सीन बन गई थी, और किसने बनाई थी? तो याद रखना बहुत बार पूछा गया है, एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? आपके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बना दी थी, ठीक। मम्स जो बच्चे कह रहे हैं, मम्स क्या है? इसे हम गलसुआ कहते हैं, ठीक है, इसे हम गलसुआ कहते हैं बच्चों। इसमें होता क्या है गलसुआ में? इसमें बच्चों जो यहाँ पर आपकी ग्लैंड्स है, जहां से आपकी लार निकलती है, उसमें जो है सूजन आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर सूजन आ जाती है, ठीक। हाँ, स्मॉल पॉक्स आपका, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स आपका बिल्कुल ठीक है। कहा जा रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व भूमिका निभाता है? एलिमेंट प्लेइंग रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन।
सबसे पहली बात मैम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? सबसे पहली बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है बच्चों? ये क्या होता है, ध्यान देखो, सुनो। आपके प्लांट्स को ना, जैसे आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, कैल्शियम की बहुत सारी चीजों की जरूरत है, ऐसे ही आपके प्लांट को ना नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, प्लांट कहता है हम तेरे बिन रह नहीं सकते, किसके बिन? नाइट्रोजन के बिना। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन को कभी भी, एक तो इसे नाइट्रोजन चाहिए भी, लेकिन कहता है कभी भी नाइट्रोजन फॉर्म में नहीं चाहिए, इसे नाइट्रोजन के नाइट्रेट नाइट्रेट फॉर्म में चाहिए, नाइट्रेट या अमोनिया फॉर्म में इसे चाहिए, सीधा नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं चाहिए। तो देखो आपके इन्वायरमेंट में जो आपका नाइट्रोजन है वो तो नाइट्रोजन के फॉर्म में है, तो जो यहाँ पर आपके एलिमेंट्स हैं, एक तो आपका आयरन, ठीक है, एक तो आपका आयरन और दूसरा आपका मॉलिबेडनम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 42। ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, तो याद रखना, एक तो मॉलिबेडनम, ठीक है, यहां लिखना तो आप लिख लीजिए एमओ, इसे जो है एमओ से डिनोट करते हैं, जिसका नाम होता है क्या आपका मॉलिब, जो है बेडनम करके इसका नाम होता है। तो बच्चों ये क्या करता है, ये आयरन और आपका मॉलिबेडनम ये दोनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये दोनों ही किसका काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक, विकास मिश्रा कह रहे हैं मैम मैसेज पढ़िए, चलिए ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, चलिए पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं, पहले आप पढ़ लीजिए, चलिए ठीक। हाँ आ जाए, तो यहां तक बात क्लियर है। अब देखो जिंक, जिंक से एक क्वेश्चन याद रखना कि जो तुम्हारे आंसू है बच्चों, तुम्हारे आंसू में जिंक पाया जाता है, ठीक है, तो ज्यादा मत रोना, नहीं जिंक निकल जाएगा, और जिंक निकल जाएगा तो अगर तुम्हें एक बार घाव हो गया ना, चोट लग गई, घाव हो गया तो भरेगा नहीं वो कभी। अगर आप चाहते हैं आपका, अगर आपको किसी ने घाव दे दिया, ठीक है, वो वाला घाव नहीं जो तुम पाते हो, ठीक है, वो वाला घाव की बात नहीं कर रहे, अगर चोट लग गई उससे घाव हुआ है तो उससे भरेगा कौन, जिंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, गुण सूत्रों पर जीनों का प्रकट होने का क्रम क्या है, लीनियर है, राउंडेड है, स्पाइरोकॉइड है, क्या है? कहने का मतलब सुनो, सबसे पहली बात क्रोमोसोम क्या है, ये रही आपका सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, ये रहा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरीके से, अरे ऐसा तो पाया भी नहीं जाता भाई, एक तो मेरी कलाकारी इतनी ज्यादा, भाई तुम समझ लो ऐसे ही पाया जाता, ठीक है भाई, ऐसे ही आपके जो है न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं बच्चों क्रोमोसोम, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अभी गुणसूत्र, ठीक है, तो इस कहा जा रहा है इस गुणसूत्र पर क्या जो जीन है, अब इसी क्रोमोसोम, अगर क्रोमोसोम किससे बना है तो डीएनए, अब डीएनए को बांधने के लिए एक प्रोटीन काम में आ रहा था हिस्टोन, तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर आपका क्रोमोसोम बना है। तो बच्चों अगर कहता है क्रोमोसोम पे डीएनए कैसा है, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन होता कि क्रोमोसोम पे डीएनए कैसे लगा हुआ है, तो डीएनए ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, तो आप कह देते कि कुंडलीय मॉडल जो है, मॉडल में कुंडलीय जो है आकार में लगा हुआ है, तो शायद आपका जो है ये वाला ऑप्शन सही जाता कि कुंडलित है, ठीक है, इस तरीके से क्वाइल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, अब मैम ये जीन क्या है, याद रखना जीन इज यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जीन इज यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, जो जेनेटिक्स के, जो अनुवांशिक के, कहने का मतलब कि आपके पास 5 उंगलियां हैं क्योंकि आपके फादर के पास, आपके जो हमारे पूर्वज के पास इतनी थी, कहने का मतलब एक जनरेशन में जो दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर इधर से उधर आते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो गुण आते हैं बच्चों, वो इसी जीन के कारण ही आते हैं, और ये इस डीएनए पर अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे लगे होते हैं बच्चों, ऐसे लीनियर फॉर्म में लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है डीएनए के ऊपर लीनियर फॉर्म में लगे होते हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन सही जाएगा कि लीनियर फॉर्म में लगे होते हैं। बताओ कितने बच्चों ने लीनियर आंसर किया था, मैं देखना चाहूंगी एक बार कितने बच्चों ने लीनियर आंसर किया था। मैम ये AWO TPO के लिए, यस बच्चा प्रदीप, ये बिल्कुल आपका जो है AWO, ठीक है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के लिए ही है ये, ठीक है, और कांस्टेबल ड्राइवर का भी अगर तुमने फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी ये बैच है, तो सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने ये वैकेंसी ली, इस वैकेंसी के लिए अपने फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है। अगर देखो जितने बच्चे, देखो कोर्स लो ना लो वो तुम्हारी मर्जी की बात है,
पर मैं बता दूं, जितने बच्चों ने AWO और TPO का फॉर्म भरा ना, बहुत अच्छा काम किया है। समझ जाना बच्चों कि तुम्हें ना एक, मैं कहूंगी कि आपको एक, आपका आपको एक गोल्डन चांस मिला है 2014 के बाद। अब आई है इसकी वैकेंसी, तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से लग जाएंगे कि भाई मेरे पास लास्ट चांस है। ठीक है, कुछ नहीं करना है भाई। देखो, अगर तुम पुलिस लगोगे, ठीक है, कुछ भी कांस्टेबल वगैरह लगते हो, तो जाके आपको थाने में बैठना पड़ेगा, रोड पे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। लेकिन बच्चों, अगर आप AWO या TPO की जॉब लेते हैं, तो आपको हेडक्वार्टर में बैठना है और बस 6 घंटे, 6 घंटे की ड्यूटी आपने करनी है, ओनली 6 आवर्स। ठीक है, उसके बाद में आप जो है आराम से अपने घर पे एंजॉय कीजिए। आइए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, खेतों की फसलों के अध्ययन को कहते हैं। हिंदी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर आप जो है स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज फॉर, जो आप खेतों की फसल है उसकी स्टडी करते हैं, गेहूं, चावल, इन सब बारे में, इन सभी की स्टडी करते हैं। मैम आपकी क्लास कहाँ है, मैं आना चाहता हूँ। ये जो यूट्यूब पे दिख रही है मेरी क्लास है, मेरी भूत की क्लास तो है नहीं, तो घर से ही देख लो यार, क्या करोगे हैं? चलो ठीक है, ऑफलाइन भी नहीं ले रही हूँ बच्चों, ऑनलाइन ही क्लास चल रही है, तो आप ऑनलाइन ही पढ़िए। ठीक है, अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube पर पढ़िए। हालांकि ये बैच बच्चों, मैं आपको बता दूं, आज यहाँ और है, इसके बाद ये कॉन्टिन्यूस आपका ऐप पे चलने वाला है। तो जितने बच्चे चाहते हैं ये बैच लेना, वो कहाँ आएंगे, वो ऐप पर आएंगे। ठीक है, फिर आपकी क्लास कॉन्टिन्यूस चलेगी। यहाँ बस मैं आज लास्ट है, 3 डेमो क्लास आपको फ्री में मिल गई है। अब हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जो इसकी वैल्यू रखते हैं, जो ऐप में आते हैं। ठीक, चल तो देखो, अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आपका कृषि विज्ञान, देखो हिंदी से आप बिल्कुल सही है, एग्रोनोमी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्रोनॉमी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, इसे कृषि विज्ञान कहते हैं। पोमोलॉजी में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो बच्चों जब आप फ्रूट्स के बारे में, ठीक है, सबका लिख लो, क्या पता आपके एग्जाम में क्या पूछ ले। जब आप फलों के बारे में पढ़ते हैं, फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको पोमोलॉजी। अगर हम बात करें ओरिकल्चर, ओरिकल्चर कैसे याद रखो, देखो आपके गांव में आया, आपकी गली में आया सब्जी बेचने वाला, ठीक है, वो कहता है ओरी सब्जी लो, क्या कहता है, ओ री सब्जी लो, वो चिल्ला रहा है, ऐसे कहते ना सब्जी लो, तो वो ऐसे के चिल्ला रहा, ओरी सब्जी लो, कहने का मतलब है ओरी कल्चर में आप वेजिटेबल्स यानी सब्जी का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद आपने याद रखना है, ओरी कल्चर मतलब ओरी सब्जी लो, इसका मतलब सब्जी की स्टडी को हम कहेंगे ओरी कल्चर। फ्लोरो का फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फूलों की खेती, ठीक है, फ्लावर के बारे में आप जब फूलों की खेती करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसमें पहली बार डीएनए का विश्लेषण किया। देखो बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ऐसा है, ऐसे डबल हेलिक्स है, मतलब द्वि कुंडलीय है, ठीक है, डबल हेलिक्स है, ठीक है, द्वि कुंडलीय है। तो आपसे पूछा जाएगा जो इसका डबल हेलिकल मॉडल है ये किसने दिया है। यहाँ कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके नाम दिए गए हैं, तो बताओ ये जो इसका डीएनए का ये जो डबल हेलिकल मॉडल है ये किसने दिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसने दिया है, कोई बताएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए कि जो इसका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया है, जल्दी से बता दीजिए। नहीं विक्रम, गलत है, इतना गलत नहीं कह सकते आप। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों इसका डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, पुराना नहीं आएगा, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, ये वॉटसन एंड क्रिक जो है क्रिकेटर भी है, उनको लेके आप याद कर सकते हैं, वॉटसन एंड क्रिक ने ही दिया है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, इतना गलत कैसे बता सकते हैं आप। चलिए आपसे कहा जा रहा है, मानव गुर्दा विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है, ह्यूमन किडनी डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ऑफ द पोल्यूशन ऑफ, देखो कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, कार्बन, ठीक है, कैडमियम यानी सीडी, आयरन यानी आपका एफई, कोबाल्ट यानी आपका सीओ, और आपका कार्बन यानी सी। देखो बच्चों ये चार आपके पास एलिमेंट है, जो कहा जा रहा है अगर हवा में ज्यादा है, ठीक है, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी और वो बीमारी आपकी किडनी से रिलेट करेगी। ठीक है, और याद रखना बच्चों सारे ऑर्गन खराब हो जाएं, भगवान से मनाना किडनी खराब ना हो, एक बार अगर किडनी खराब हो गई बच्चों तो देखो ब्लड को साफ कौन करता है, बताओ ब्लड को साफ बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में किडनी कर रहा है। ठीक है, किडनी खराब हो गया इसका मतलब खून खराब, अब बच्चों बताओ अगर ब्लड खराब हो गया तो पूरे बॉडी में कौन दौड़ रहा है, ब्लड, इसका मतलब वो पूरे बॉडी को ही खराब कर देगा।
अरे भाई, अगर हम कहते हैं कि अगर जो है ब्लड पूरी बॉडी में है, और जब ब्लड ही खराब है तो इसका मतलब पूरी बॉडी खराब। तो बच्चों, किडनी कभी खराब नहीं होना है, तो बताओ कौन से एलिमेंट से किडनी खराब हो सकती है? कार्बन आंसर आ रहा है, कार्बन, दीपक का भी, इमरान का भी, ठीक है सबने। चल चलिए, तो देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि अगर मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई बंदा, जहां पर कैडमियम कैडमियम के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, ठीक है, ऐसा कोई इंसान है जो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है जहां पर कैडमियम के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है बच्चों, तो उसे क्या हो जाएगा? तो उसे डिसीज हो जाएगा, उसे बीमारी हो जाएगी, और वो बीमारी सीधा उसकी किडनी खराब कर देगी। सीधा उसकी क्या खराब कर देगी? किडनी खराब कर देगी बच्चों। तो आपको याद रखना है कि कैडमियम के मॉलिक्यूल के कारण ही आपकी किडनी खराब हो जाएगी, ठीक है। और किडनी बच्चों अगर एक बार खराब हो गई तो फिर जिंदगी भर आपको क्या करवाना पड़ता है? डायलिसिस करवाना पड़ता है, उससे आपका जो है पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक। तो ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया। इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, कैडमियम। और कैडमियम से एक रोग और होता है, वो भी याद रखना, उस रोग का नाम है इटाई टाई, ठीक है। एक रोग और होता है, वो भी याद रखना, क्या होता है? इटाई इटाई, ठीक है। एक डिसीज और होता है आपके, किससे? कैडमियम से, इटाई इटाई, ये भी याद रखना, ठीक। दो डिसीज याद रखना है, इटाई इटाई और आपका किडनी डिसऑर्डर, दोनों ही कैडमियम से होता है। हार्ट अटैक किसके कारण होता है बच्चों? ये रहा आपका हार्ट, ठीक है। सफेद कलर का है क्या? तुम्हारा तो काले कलर का होगा। तो बच्चों अगर ये रहा आपका हार्ट, ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि जो जनरली हार्ट अटैक आएगा वो किस कारण आएगा? कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब कोई बैक्टीरिया आके आपको हार्ट अटैक कर देगा, या स्टॉपिंग ऑफ हार्ट बीट, या बच्चों आपसे कहा जा रहा है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हार्ट इटसेल्फ, हृदय को जो है रक्त की आपूर्ति की कमी, या अज्ञात कारणों से दिल के काम करने की हानि, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है हार्ट अटैक का सबसे पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, कि हार्ट अटैक के लिए सबसे पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? चलिए मैम, ब्लड किडनी कैसे प्योरीफाई करता है? अरे देखो प्रदीप, इसमें क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इसलिए ना आपको पूरा एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ता है बच्चों, कि यहाँ पर जो है ऐसे आपके किडनी के दो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। किडनी जो है इसके दो पार्ट होते हैं, ऐसे व्हील शेप में होती है। इस बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को मेडुला। तो इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है बच्चों। वो क्या करते हैं, वो जो है जो टॉक्सिक कंपाउंड है ब्लड में, उसको अपने पास रख लेते हैं। और एक नली है जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल, रीनल आर्टरी कहते हैं, सॉरी रीनल वेन कहते हैं। उसके थ्रू क्या करते हैं, खून को बाहर, मतलब उसको खून को फिर वापस भेज देते हैं कि भाई खून साफ कर दिया है, और जो उन्होंने टॉक्सिक जहरीला चीज अपने पास इकट्ठा किया है उसको यूरिन के थ्रू बाहर कर देते हैं, ठीक। हालांकि जो भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था उसे पूरा जो है बैच में आके पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में आप नहीं समझ सकते जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। चलिए, बिल्कुल बच्चों, जब आपके हार्ट में किसकी कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, वहां पर ये क्या होगा, वहां पर हार्ट अटैक आएगा, ठीक है। चल, कहा जा रहा है ऐसा कौन सा जीव है बच्चों जिसमें रिस्पिरेशन, ठीक है, रिस्पिरेशन ऑर्गन तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, ठीक है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग लिविंग बींग हैज, मतलब वो लिविंग है, जिंदा है, रिस्पिरेशन रेस्पिरेशन ऑर्गन बट डज नॉट हैव ब्रेन। कह रहा है कि ऐसा कौन सा है आपका क्रैब यानी केकड़ा, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कौन सा जीव है बच्चों जिसके पास रेस्पिरेशन तो है, श्वसन तंत्र तो है, लेकिन ब्रेन नहीं है? कोई बता सकता है? कोई भी बच्चा यहाँ पे बता सकता है? हाँ यस बच्चों, स्टार फिश। चलिए बहुत अच्छा, तो स्टार फिश जो है बच्चों, स्टार फिश आपको याद रखना है, क्या ये आपके बहुत सारे फाइलम पाए जाते हैं। अब कई बच्चों को फाइलम नहीं पता होगा, फाइलम का मतलब समझ लो जो एक जैसे लोग है ना, उनको एक ग्रुप में रख दिया और उसे जो है हमने बायो में कह दिया फाइलम, इसका मतलब ग्रुप होता है। तो एक ग्रुप पाया जाता है बच्चों जिसका नाम होता है एकाइनोडर्मेटा, जिसका नाम होता है एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे ऐसे जीवों को रखा गया बच्चों जिसके बॉडी पे, जिसके शरीर पे ना क्या पाए जाए, स्पाइन, स्पाइन यानी कांटे पाए जाए। एकाइनो का मतलब ही क्या होता है, स्पाइन यानी कांटे। तो ऐसे जीव को रखा गया जिसके बॉडी पर कांटे पाए जाए। तो स्टार फिश अगर किसी ने नहीं देखा, इसे सी फिश भी कहते हैं,
तो आप क्या करिए, अपने गूगल पे सर्च मारिए कि स्टार फिश कैसे, उसके बॉडी पर आपको कांटे दिखेंगे। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टार फिश किस फाइलम से बिलोंग करता है, एकाइनोडर्मेटा। कहा जा रहा मानव आंखों में कौन सा पार्ट है बच्चों जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं है। मैंने अभी एक बात आपसे कही कि आपकी पूरी बॉडी में, ठीक है, आपके पूरे बॉडी पे बच्चों क्या पाया जाता है, ब्लड घूमता है। मैंने क्या कहा कि आपके पूरी पूरे शरीर में आपके ब्लड घूमता है। आप सब जानते हो, यहाँ पे कट लगाओ, यहाँ पे कट लगाओ, यहाँ पे हर जगह से निकलना ब्लड ही है, क्योंकि पूरी बॉडी में हमारे क्या है, ब्लड है। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे आपके आपके आंख का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे ब्लड है ही नहीं। देख लो, आपकी बॉडी में ऐसा क्या पार्ट है जहां पे ब्लड है ही नहीं, वो आंख का पार्ट है। स्क्लेरा, कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल। यस, आंसर करेंगे विक्रम का आया है कॉर्निया। चलिए ठीक है, कॉर्निया कॉर्निया। हाँ बहुत ठीक, बहुत ठीक आंसर है कॉर्निया। यहाँ पर कॉर्निया इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कॉर्निया, यही कॉर्निया अगर हम बात करें, मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं मैं फोटो लगा के लाती। ये कॉर्निया क्या होता है बच्चों, ऐसे आपकी आंख होती है, ठीक है, तो आंख का जो ये उभरा हुआ पार्ट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं बच्चों। और जब आप क्या करते हैं, आई डोनेट करते हैं, ठीक है, कई लोग अपनी अपना नेत्र दान करते हैं। ठीक, तो जो बच्चों नेत्र दान करते हैं उसमें यही कॉर्निया वाला पार्ट ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपने देखा होगा बच्चों, किसी की आंखें क्या होती हैं, भूरी होती हैं, किसी की नीली होती है, मेरी काली है। तो देखो, आप जो है अपने आसपास देखा होगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, कि किसी किसी की आंखें अलग अलग कलर की होती हैं। ठीक है, हालांकि ब्लू आईज वाले बड़े बड़ी अच्छी आंखें मानी जाती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अलग अलग कलर है, ऐसा मतलब उनमें क्या प्रेजेंट है कि जिसके कारण, मतलब प्रेजेंट मतलब किस चीज, आपके आंखों का जो अलग अलग कलर होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक, प्यूपिल कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, आयरिश कहते हैं, आपका कोरॉइड कहते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, आंसर कीजिए। आंखों का जो अलग अलग रंग है, ठीक है, किसी का नीला, किसी का पीला, पीला तो किसी का नहीं होता, हरा होता है, ग्रीन होता है। तो पूछा जा रहा है कि वो जो अलग अलग कलर है वो कैसे है, बताइए। प्यूपिल नहीं होता प्रदीप। देखो प्यूपिल का मतलब बच्चों, देखो आप ध्यान से सुनो, प्यूपिल जैसे ये नीली कलर की आंखें हैं, ठीक है, ऐसे पूरी आंखें होती हैं, है ना, ये जो आपकी काली काली दिख रही है वो नीली कलर की होती है, इसके अंदर देखा डॉट सा होता है, यही होता है प्यूपिल। ठीक है, ये प्यूपिल क्या होता है, जब आप कहाँ जाओगे, जब आप बहुत धूप में चले जाओ और अचानक से सन की साइड देखोगे तो ये प्यूपिल बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी, और जब सन की साइड से अचानक अंदर आओ, अंधेरे में आओ, तो ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हाँ क्या आंसर आ जाएगा, आयरिस। आयरिस जो होता है बच्चों, हिंदी में इसे शायद कुछ परिरक्तिका कहते हैं, देख लेना। तो यही ऑप्शन आपका सही है बच्चों, कि जो आपकी आयरिस है इसी, यही होता है कि किसी का ये ब्लैक होगा तो किसी का ये ब्राउन होगा तो किसी का ये ब्लू होगा, है ना। चल नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, इनमें निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। कहने का मतलब क्लोरोफिल क्या है, आप सब जानते हैं इसे हरित लवक कहते हैं, ठीक है, इसे हरित लवक कहते हैं या पर्ण हरित कहते हैं, इसे पर्ण हरित कहते हैं। ठीक, इसे पर्ण हरित कहते हैं बच्चों। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, इसमें क्या नहीं है, क्या इसमें हाइड्रोजन नहीं है, क्या इसमें मैग्नीशियम नहीं है, क्या इसमें कार्बन नहीं है, क्या इसमें कैल्शियम नहीं, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा जल्दी से। हाँ जल्दी से, तो देखो बच्चों, क्लोरोफिल का क्या लिखे, फॉर्मूला लिखे, तो हम लिखेंगे C55 स्टैंडर्ड जो है S72, ठीक है, उसके बाद में आप आपको लिखना है O5N4, और इसके बाद क्या लिख सकते हो, Mg। ठीक, तो बताओ इसमें क्या नहीं है, क्या हाइड्रोजन नहीं है, ये रहा 72 हाइड्रोजन है, क्या मैग्नीशियम नहीं है, ये रहा Mg। ठीक है, क्या कार्बन नहीं रहा, अरे भाई सबसे पहले ही है कैल्शियम, कैल्शियम होता आपका Ca। क्या कहीं तुम्हें Ca दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कैल्शियम नहीं है। जितने बच्चे कह रहे हाइड्रोजन नहीं है, अरे भांग खा लिया है क्या, हाँ हाइड्रोजन बच्चा देखो 72, ठीक है हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले सब बच्चे क्लोरोफिल का फॉर्मूला देख लेंगे।
ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप गलत करते ही नहीं, अगर फॉर्मूला याद होता तो गलत करते ही नहीं। चलिए बहुत सही, वेरी गुड। तो यहां पर आपका बिल्कुल ठीक आंसर है क्या, क्लोरोफिल। ओके गुड, यस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। आपसे कहा जा रहा है जो उत्प्लावन की अवधारणा के कारण जो आधार पर ध्रुव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या मापने को कह रहा है, रिलेटिव डेंसिटी। बताओ रिलेटिव डेंसिटी आप किससे मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम उत्प्लावन की बात करें बच्चों, तो आर्कमिडीज ने क्या कहा था कि कोई अगर पानी में कोई वस्तु तैर रही है, ठीक है, अगर इससे पानी से इसकी डेंसिटी कम है तो ये तैरेगी, पानी से डेंसिटी ज्यादा है तो ये डूब जाएगी। तो कहा जा रहा है कि जो आपका रिलेटिव डेंसिटी हो किससे मेजर किया जाता है बच्चों, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा, हाइड्रोमीटर से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट बताओ, आपसे कहा जाए इनमें से किसके साथ क्लोरीन का उपचार करने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि किसके साथ अगर आप क्लोरीन मिलाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ आप जब क्या मिलाएंगे, क्लोरीन मिलाएंगे तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, ClOCl2। ये आपका क्या होता है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो जल्दी से बताएंगे, फटाफट बताएंगे, यस जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, वेरी गुड। अरे भाई रुक जाओ, ठीक है, जल्दी से जल्दी से, यहाँ CaCl2 लिखा हुआ, जल्दी से जल्दी जल्दी, CaOCl2। हाँ, क्या आंसर आएगा, तो बच्चों जब आप यहाँ क्या करेंगे, जब यहाँ आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH+Cl2 करते हैं, इसमें क्लोरीन मिलाएंगे, तब जाके आपको ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको बताना है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन मिलाएंगे तब जाके आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो रिएक्शंस भी आपने याद करके चलना है, ठीक है, रिएक्शंस भी आपको याद करके चलना है। चलिए और चले आगे, चलो और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, शैवाल और कवक निम्नलिखित में से किसका उपखंड है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है भाई जो शैवाल और कवक है वो किस टाइप के पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या टेरिडोफाइटा। कुछ बच्चे कहेंगे मैम कवक तो प्लांट है ही नहीं, लेकिन बच्चों आपसे पूछा जा रहा है जब इसे प्लांट माना गया था एक बार, ठीक है, जब इसे प्लांट माना गया था तो उस टाइम इसे किस किस मतलब किस उसमें फाइलम में कह सकते हैं, किस जगह इसे रखा गया था, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, बताइए। देखो हालांकि प्लांट नहीं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन इसे पहले तो हमने प्लांट में ही रखा था, बाद में इसे अलग किया था, तो हमें हमने इसे क्या माना था, यस इसका नेचर किसके जैसा था, यस यस विक्रम यू आर राइट, थैलोफाइटा। आप कहोगे मैम इसे थैलोफाइटा क्यों माना गया था, बच्चों देखो थैलोफाइटा ना ऐसे प्लांट को माना जाता है जिसे देखकर आप ये नहीं बता सको, जिसे देखकर आप ये नहीं बता सको, जैसे मैं यहाँ पे एक प्लांट बना दूं, ध्यान से सुनना, ठीक, यहाँ पे मैंने ऐसे इसके पत्ते लगा दिए, ऐसे ऐसे पत्ते लगा दिए, यहाँ पे ऐसे इसके रूट बना दी, इसका रूट बना दिया, मैं कहूँ बच्चों यहाँ पे इसका रूट कहाँ है, तो कहोगे मैम वैसे तो आपका डायग्राम बहुत बेकार है पर शायद आपने रूट बनाया है, हाँ जी। कहोगे मैम ये शायद आपने स्टेम बनाया है, मैं कहूंगी हाँ जी। कहोगे मैम ये शायद आपने लीफ बनाया है, तो बच्चों ऐसा प्लांट जिसे देखकर आप उसका रूट, उसका स्टेम, उसका लीफ पहचान जाओ, वो क्या होते हैं, वो आपके अलग प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा प्लांट, अब मैं कुछ ऐसा बना दूं, अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ऐसा मैंने कुछ बना दिया, ठीक, अब मैं कहूं बच्चों बताना इसमें लीफ कहाँ पे है, इसमें बच्चों इसका रूट कहाँ पे है, तो ऐसे प्लांट ना जिसका आप लीफ बता पाओ ना जिसका, जैसे आपका शैवाल काई, ठीक है, एल्गी देखा है ना आपने, आपके पानी के ऊपर तैरती रहती, क्या बता सकते हो वहां पे लीफ क्या है, रूट क्या है, तो ऐसे प्लांट जिसका आप रूफ, स्टेम, ये सब जो है अलग अलग नहीं देख पाए, वो आपका क्या है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलो फाइटा। तो बच्चों मैं कहूंगी आज की क्लास में अगर क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं जो है आपको बता दूं बच्चों, अब हम क्लास में शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, बिल्कुल जो है अगर मैं बात करूं, ये आपका डेमो
थ्री मान लेंगे, ठीक है। मिनट क्या हो रहा है। हाँ चले तो बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं तो देखो, इसी बैच की आपकी डेमो क्लास चल रही है। जैसे अभी बच्चों एडब्ल्यू और टीपीओ के बारे में पूछ रहे हैं, एडब्ल्यू और टीपीओ के लिए बैच आया हुआ है। कांस्टेबल ड्राइवर वाले बच्चे भी इसके साथ जा सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर में 50 नंबर का आपका रोड सेंस आ रहा है, यानी रोड सेफ्टी, कि रोड पे आपको जो सिंबल है वो किस चीज के क्या वहां पे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, ऐसे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके रोड सेफ्टी में 50 नंबर के बन रहे हैं। जो ड्राइवर, भाई ड्राइवर हो तो रोड तो पूरा पता होना चाहिए रोड सेफ्टी के बारे में, तो वो भी इसमें करवाया जाएगा। और बच्चों जो यहाँ पर आपकी 25 नंबर की साइंस आ रही है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर साइंस 25 नंबर की आ रही तो हल्के में आप नहीं ले सकते हैं, तो साइंस वाले पोर्शन के लिए भी आप आ सकते हैं, रोड सेफ्टी वाले पोर्शन के लिए भी आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा, ठीक है। 5 अगस्त से ही आपका ये शुरू था, ठीक है, 5 से क्या, 4 से ही शुरू था, 4 से ही शुरू था। आज आपकी थर्ड डेमो क्लास है, ठीक है बच्चों, यानी लास्ट डेमो क्लास है। अब ये क्लास जितने बच्चों ने एडमिशन लिया है ऐप पर उनके साथ कॉन्टिन्यूअस चलेगी। अब इसके बारे में हम आपको यूट्यूब पर नहीं बताएंगे, ठीक है। यूट्यूब पर एक क्लास आपकी फ्री चलती है, वो आपको शाम को 5 बजे, ठीक है। इस टाइम आपका आपकी क्लास अभी आपके ऐप पर चलेगी। अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्म भरा, बच्चों तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, आपके पास गोल्डन चांस है, उसे यूज करो, ठीक है। केडी लाइव की एप्लीकेशन फटाक से जो है इंस्टॉल कर लो। कई बार बच्चों जो है यहाँ पर बहुत सारे कूपन भी मिलते हैं, जैसे आपको जो है नीतू मैम का बैच लेना हुआ तो जनरली उसकी फीस अगर इतनी है तो कुछ कम में पड़ जाती है। जैसे आपका कुछ फेस्टिवल आया, ठीक है, या कुछ भी, तो वहां पर कोड वगैरह दिया होता है वो लगा के आपका कम हो जाता है। तो ये सब जानकारी आपको एप्लीकेशन से ही मिलेगी। तो सबसे पहले जितने बच्चों के फोन में इंस्टा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और केडी लाइव नहीं है, तो केडी लाइव इंस्टॉल करो, ठीक है। तो बच्चों वहां से ये आप क्लास देख सकते हैं। क्लास कैन बी वॉच्ड ऑफलाइन, ठीक है। बैच के बारे में अगर कुछ और पूछना है तो 1 से 2 मिनट का टाइम है, फटाफट पूछ लो। हाँ पूछ सकते हैं, यस। चलिए तो बच्चों पूरा ही आपका ये कवर करवाया जाएगा। दिल्ली प्लस का जो भी सेक्शन है, यहाँ जो 25 नंबर की साइंस तुम्हें थ्योरी लेके चलूंगी ना, स्पेशल तरीके से पढ़ाऊंगी, राहुल ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। लाइव क्विज फॉर एवरी टॉपिक, ये भी आपको याद रखना है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास इसमें चलेगी, ठीक है। सिलेबस हमारे हाथ में होता है बच्चों, कि हम जो है जितने टाइम में आपको कहते हैं उतने टाइम में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। अगर मैंने कहा 27 और 28, तो मुझे बताना है कि 27 और 28 अक्टूबर तक तुम्हारा ये बैच कैसे कंप्लीट करना है, वो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। तो 1 से 2 बजे रोज जो है केडी लाइव की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पर मिलो, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे जो है एडमिशन कैसे लें, दीपक कुमार बच्चे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, केडी लाइफ की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां आपको बैच दिखेगा, परचेज कर लो बस, हाँ और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चल तो भाई अगर हम बात करें तो 499, ओनली 499 इसकी फी है, ज्यादा फीस भी हमने नहीं रखी है। तो चलिए सभी बच्चे जो है अपना ध्यान रखेंगे, इस बैच में जो बच्चा एडमिशन लेगा वही आगे कंटिन्यू कर पाएगा, नहीं तो अभी क्लास आपकी, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐप पर ही चलेगी। बाकी जो है अब हम मिलेंगे शाम को 5 बजे, मैं बता दूं शाम को 5 बजे भी आपकी क्लास है, तो आप वहां आ सकते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।